नमस्ते। आज हम लोग रस में प्रवेश करेंगे। रस की चर्चा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इन सारी विषयों पर हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं रस के भेद का। रस के नौ भेद माने गए हैं। दसवां भेद जो है वह वात्सल्य को माना गया है। वात्सल्य को दसवां रस के रूप में लोग स्वीकार किए हैं। ये नया भेद आया है, तो जिसे क्रमबद्ध रूप से हम लोग देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग उन रसों के बारे में। आज चर्चा करेंगे हम लोग श्रृंगार रस का। आज चर्चा करेंगे किस रस का, तो श्रृंगार रस की चर्चा हम लोग करेंगे। बेटे आपके पास में कॉपी खुली हुई होनी चाहिए, हाथ में कलम होनी चाहिए, और जहां आवश्यकता हो वहां आप उसे लिखते जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं रस का। रस जिसमें सबसे पहला, जैसा कि मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था कि विद्वानों के बीच में इस तरह की मान्यता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रृंगार जो है सो रसराज है, रसों का राजा श्रृंगार रस को माना गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, करुण जो है, करुण रस, उसे सारे रसों का राजा माना जाना चाहिए। खैर ये विवेचना का विषय आपके लिए नहीं है, आपको इन सारे रसों के विषय में संक्षिप्त जानकारी हासिल करनी है। आपको विशेष रूप से उसके स्थायी भाव को याद करना है, ध्यान रखना है। उसके स्थायी भाव को आप याद करेंगे, ठीक है, और उसके उदाहरण को याद करेंगे, किसे कहते हैं उसे आपको याद करने का है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रृंगार रस। बेटे श्रृंगार को मैंने कई जगह देखा है इस तरह से लिखे हुए, श्रृंगार ऐसे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा ऑथेंटिक ये है। वैसे आइए श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति का अर्थ है प्रेम। इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। और ये जो प्रेम है, ये नायक नायिका के मिलने पर तो इसकी अनुभूति होती ही है, और एक दूसरे से अलग अलग रहने पर भी उस प्रेम की अनुभूति होती रहती है। तो इस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो श्रृंगार के दो भेद हमारे सामने आते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वह है रति। रति यानी प्रेम। किसके बीच का प्रेम? माता और पुत्र के बीच का प्रेम नहीं, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम। प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम, नायक और नायिका के बीच का प्रेम, यह है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है। और श्रृंगार रस के मैंने जैसा कि कहा कि दो भेद हैं, श्रृंगार के दो भेद हैं,
वह है संयोग श्रृंगार, संयोग और विप्रलंब, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या है, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार, है ना? संयोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार और दूसरा है विप्रलंब या वियोग श्रृंगार, है ना? आपको विप्रलंब याद करने में दिक्कत होगी तो आप वियोग को आप याद रखेंगे, याद करेंगे संयोग वियोग, है ना? अब आइए हम लोग बात करते हैं संयोग श्रृंगार का। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, है ना? हंसी ठिठोली करते हैं तो वहां पर एक दूसरे पर छीटाकसी करते हैं, है ना? हंसी मजाक करते हैं तो वहां पर वो क्या है, वहां है संयोग श्रृंगार, ठीक है? तो उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, क्लास 8 में आपको मैंने पढ़ाया था सुर के पद को। वहां पर एक जगह है कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी, यहीं पर लिखते हैं मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई सौंह करे, भौहनि हसे देन कहे, नटी जाय। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भाव हनि हसे देन कहे नट जाय। बतरस मतलब बातचीत से उत्पन्न होने वाले आनंद, है ना? कितने को बातचीत में बड़ी मजा आता है, बात बतियाने में बड़ी मजा आता है, है ना? और तो बतरस लालच यानी बात करने की लालच में, बातचीत से उत्पन्न होने वाले आनंद के लालच में ये गोपिकाएं क्या की है, तो कृष्ण के मुरली धरी लुकाई, कृष्ण की बांसुरी को, किस कृष्ण के मुरली को, उसकी उनकी बांसुरी को छुपा ली है, छुपा करके रख दी है। और क्या कर रही है वो गोपिकाएं, सौंह करे इशारे करती हैं, है ना? मत बताना अपने सखियों से, मत बताना कि किसके पास में उड़ रही, है ना? तो सौंह करे इशारे करते हैं, भाव हनि हंसे हंसती हैं, और कृष्ण चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी बांसुरी गायब हो गई है
और वो जानता है कि ये गोपिकाएं चुराई हुई, तो खींच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, देन कहे नटी जाए, नटी मतलब गोपिकाएं, ए गोपिकाएं तू मेरी बांसुरी दो और जा यहां से। तो यहां पर मिलन चित्र को प्रस्तुत किया गया है। यहां पर क्या है, नायक और नायिका के मिलन चित्र को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहां पर संयोग श्रृंगार है। यहां पर क्या है, संयोग श्रृंगार। विद्यापति की पंक्ति है, कुंज भवन सो निकसल रे रोकल गिर धारी। गोपिकाएं झुरमुट से निकल रही हैं और गिरधारी श्री कृष्ण उन्हें रोक रहे हैं। तो यहां पर भी मिलन चित्र को प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छी पंक्ति है मतिराम की, जिसमें होली का वर्णन है, जिसमें गोपिकाएं पहुंची हैं, नहीं कृष्ण पहुंचे हैं गोपिकाओं के पास में होली खेलने के लिए। उसमें कहते हैं होली के भीर अभीरन में, होली के भीर अभीरन में करगह भीतर ले गए गोरी। होली के भीर अभीरन में करगह भीतर ले गयो गोरी, भाई सो आज करे मन मोहन ऊपर डारे अबीर की झूरी। बोलत आंख नचाई के लला फिर आई हो खेलन होरी, लला फिर आई हो खेलन होरी। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, होली का समय है, एक बार श्री कृष्ण पहुंच गए हैं गोपिकाओं के बीच में होली खेलने के लिए, सुबह का समय है हो सकता है, और वो गोपिकाएं उन्हें पकड़ लेती हैं और जो मन में आता है वो सारे काम करती हैं, ऊपर से अबीर की झोली उड़ेल देती हैं कृष्ण के ऊपर और फिर कहती हैं, ए लला ए कृष्ण फिर आई हो खेलन होली, शाम के समय भी आ जाना होली खेलेंगे हम लोग। तो यहां पर भी मिलन चित्र है, नायक और नायिका के मिलन की स्थिति को पैदा किया गया है, इसलिए यहां पर भी क्या है, संयोग श्रृंगार है। होली के भीड़ उदाहरण, दूसरा है होली के भीर अभीरन में कर गए भीतर ले गयो गोरी, भाए सो आज करे मन मोहन इसे कहते हैं, भाए सो आज करे मन मोहन ऊपर डारे अबीर की झोली।
बोलत आंख नचाई के, बोलत आंख नचाई के ललार, ललार फिर आई हां खेलन होली। होली के भीर अभीरन में कर गए भीतर ले गयो गोली, भाई सो आज करे मन मोहन ऊपर डारे अबीर की झोरी। बोलत आंख नचाई के लला फिर आई हम खेलन होली। तो यहां पर संजोग श्रृंगार है। अब आइए हम लोग बात करते हैं वियोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, इसे विप्रलंब कहा गया है। विप्रलंब श्रृंगार इसलिए कहा गया है, प्रलंब का अर्थ होता है बाह में लेना और विप्रलंब का अर्थ है अलग कर देना, है ना। तो इसे वियोग भी कहा गया है। वियोग में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह करके अपनी व्यथा पूर्ण स्थिति में, अपनी व्यथापूर्ण स्थिति से गुजरते रहते हैं। तो इसमें भी, इस जुदाई में भी, इस अलगाव में भी एक प्रेम है। तो यहां पर अलगाव का, वियोग का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हमारे हरिहारन की लकड़ी, यहां पर भी वियोग श्रृंगार है। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। निसदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत ने कबहू उर कपोल भय कारे, कंचुक नीर सुखत नहि सजनी उर बिच बहत पनारे, निसदिन बरसत नैन हमारे, निसदिन बरसत नैन हमारे। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में रो रही हैं। कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं समझाने के लिए गोपिकाओं को। तो ऐसी स्थिति में ये गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, श्री कृष्ण जब से गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरी आंखों में वर्षा ऋतु समा गई है। निसदिन बरसत, निस का अर्थ है रात, निशि यानी रात, दिन दिन, तो रात दिन हमारी आंखें बरस रही है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे ऊपर पावस ऋतु सदा सदा के लिए आकर जम गई है। क्या कहूं अपनी व्यथा, दृग अंजन लागत नहीं कबहू, आंखों में जो काजल लगाती हूं तो वो भी टिक नहीं पाता, क्योंकि आंसू में वो सारे बहकर पूरे गाल जो है काले हो जाते हैं और
जो वस्त्र में पहनी हुई हूं वो भी भींग जाता है। तो ये स्थिति है विप्रलंब की, ये स्थिति है वियोग की। मानस में आपने गूगल मीट में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि जब सीता श्री राम से विलग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राम जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी को तुम देखा सीता मृग नहीं। ये स्थिति उनकी पैदा हो जाती है। मैं वियोग श्रृंगार को बाद में बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।